Indian women hockey is on the rise. Indian women have won the silver medal in the hockey tournament in the Asian Games held in Japan. The success has attracted many young girls from the Jammu to this sport. Coming from underprivileged section of the society, they travel about 4 kilometers to reach the practice ground. It is the love for the game which pulls them to the ground despite many odds. The coaches and the players say things have improved over the last few years, but much more needs to be done. मेरे पापा है वो एक किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, तो हम उधर से आते हैं, हमें घर से भी कितना बाहर निकलने के लिए खर्चा चाहिए होता है, ये है कि जो हमें हमारे घर वाले डेली प्रोवाइड नहीं कर सकते डेली के लिए, तो हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट अच्छे से प्रोवाइड करे कुछ आगे, मतलब कि हम डेली आ पाएँ, हम अपनी डाइट भी ले पाएँ और इधर आके अच्छे से हमें प्रैक्टिस मिले, हार्डवर्क मिल पाए। हम गवर्नमेंट की तरफ से कहना चाहते हैं कि मतलब जो भी उन्होंने आज तक हमें दिया, ज़्यादा नहीं तो जितना भी दिया बहुत अच्छा दिया, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, और हम चाहते हैं हमारे आगे के आने वाले जो छोटे हमारे जूनियर सब जूनियर प्लेयर खेल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको हमारे से भी अच्छे प्रोवाइड दें चीज़ें। The girls say the studying and having a proper diet is financially not possible for them, and the government should offer more financial assistance and, if possible, the daily practice allowance too, as the government believes in Beti Bachao Beti Padhao. मुझे गेम खेलने का बहुत शौक है और हमारी मैम हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, पर हम चाहते हैं कि हमें सरकार भी कुछ दे। ये नारा निकला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर सरकार हमारे लिए कुछ करे, हमें रिफ्रेशमेंट दे तो हम खाएंगे तो खेलेंगे ना, वरना हम कैसे खेलेंगे। और मैं पूंछ में भी खेल के आई हूँ, असम में भी नेशनल लगा के, मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल भी लगाऊँ, अगर सरकार हमारी मदद करेगी, सरकार मदद करेगी तो हम भी खेलेंगे। हम बहुत मिडिल फैमिली से, हमें बहुत शौक है हॉकी खेलने का, और हम ये भी खेलेंगे और हम साथ साथ में पढ़ेंगे भी, हम अपना देश का नाम रोशन करेंगे और मम्मी पापा का नाम भी रोशन बहुत करेंगे। 2 साल से हॉकी खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। हमने 29 जनवरी को असम टूर्नामेंट लगाया था जिसमें मैंने बैकर की अच्छी पोजीशन दी हुई थी और मैंने बड़ा अच्छा खेला हुआ था, और अभी भी मैं खेलती हूँ। यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को वो नारा लगाया था, और जो हॉकी खेलो इंडिया खेलो नारा उसमें सारी लड़कियाँ खेलें और अच्छे से खेलें, गुजारिश है कि सभी लड़कियाँ अच्छे से खेलो, अपने पैर में ही खड़े हो रहे। जो गरीब बच्चे हैं उनके माता पिता कितने मुश्किल से पढ़ाते हैं और डाइट भी पूरी तरह से नहीं हो पाती है, जिन बच्चों को खाने की ज़रूरत है वो मिल नहीं पाती है। सिर्फ सरकार से ये गुजारिश है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा डाइट दीजिए और अच्छे से अच्छे गेम, उनकी रूटीन अच्छी रहे, यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट से यही प्रे करेंगे हम। स्कूल में जाके गवर्नमेंट स्कूल में जाती हूँ, वहाँ से बच्चे ढूंढ के लाती हूँ, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उनको हम वहाँ से लाते हैं, प्रिंसिपल से बात करके, तो बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करते हैं वहाँ पे कि हॉकी में किसी भी गेम में जाएं बच्चे, कि आजकल गेम लड़कियों को काफ़ी प्रमोट कर रही है हमारी गवर्नमेंट कर रही है, हमारे मोदी जी का काफ़ी लड़कियों को प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत सारी स्कीम भी चल रही है, अभी खेलो इंडिया स्कीम भी चली है हमारे लिए, तो उसमें भी बच्चे खेल रहे हैं। मेरे पास ये बच्चे 2 साल से खेल रहे हैं, 1.5 साल से बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारे बच्चे जो हैं ये बहुत गरीब घर से हैं, इवन कि कई बच्चे झुग्गियों में भी रहते हैं, पर इनको खेलने का बहुत शौक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स उनको संभाल रहे हैं, तो उनको भी सिखा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सारे बच्चे इंटरेस्ट कर रहे हैं, बच्चे सब जूनियर नेशनल खेल के असम खेल के आए हैं, अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट पूंछ खेल के आए हैं, वहाँ भी जीत के आए हैं, ट्रॉफी जीत के आए हैं वहाँ से बच्चे, तो इनको बहुत ज़्यादा शौक है खेलने का। और ये बच्चे जो हैं पैदल यहाँ से जाते हैं, पैदल बागे बहु सारा जो गोरखा नगर एरिया है वहाँ से पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को, जैसे ये बच्चे बहुत गरीब घर के हैं, कोई गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम निकाले कि बच्चों को जो पर डे मतलब इनको कुछ मिले, डाइट मिले इनको, क्योंकि हॉकी जो है वो बड़ी रफ एंड टफ गेम है, तो आधे घंटे की मतलब 1 घंटे गेम होती है, तो पूरा अप डाउन 100 मीटर अप डाउन करना पड़ता है बच्चों को 1 घंटा लगातार, तो उसके लिए बच्चों के लिए डाइट बहुत कंपलसरी है, जब जो कि बच्चे ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो बच्चा एकदम लेबर क्लास से आएगा वो बच्चा 2 टाइम के खाना इनको मिलता है तो वो कहाँ ये डाइट प्रोवाइड करेगा।